हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं फायरवॉल का। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूं। नंबर एक, कैसे हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं और कैसे सर्टिफिकेट को रीजनरेट करते हैं अगर हम किसी सिस्टम को सर्टिफिकेट बेस्ड एक्सेस कराना है तो गाइज इस वीडियो को हम चलिए शुरू करते हैं और आपको मैं ये सारी चीज़ें जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो सबसे पहले गाइज आपको अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा सर्टिफिकेट्स, आपको जो सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करना है। अब देखिए गाइज, आप सर्टिफिकेट्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, सर्टिफिकेट रिकॉर्ड एंड लिस्टेड। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, इनमें से हमको क्या करना है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्टिफिकेट हम कैसे, किसी भी फायरवॉल का सर्टिफिकेट कैसे हम रीजनरेट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे अप्लायंस सर्टिफिकेट और यहाँ पे वैलिड फ्रॉम, ये यहाँ से टिल यहाँ तक दिया हुआ है। अब आपको चाहते हैं कि आप इस सर्विस को मतलब सर्टिफिकेट को रीजनरेट कर दें, जिससे अगर हम किसी डिवाइस में सर्टिफिकेट यूज हो रहा होगा, जैसे आपको कैप्टिव पोर्टल या कोई डिवाइस से आप फायरवॉल को एक्सेस करते हैं, तब नहीं होगा जब तक ये सर्टिफिकेट आप उस डिवाइस में इंसर्ट नहीं करेंगे। तो गाइज आपको इस पर क्या करना, जस्ट यहाँ पे सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना। आपको जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू रीजनरेट द सर्टिफिकेट, आपको यस कर देना। अब जैसे हम यस करेंगे तो ये सर्टिफिकेट फिर से जनरेट हो जाएगी और जो प्रीवियस सर्टिफिकेट रहेगी वो नहीं काम करेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सर्टिफिकेट हैज बीन जनरेटेड, योर करेंट सेशन विल एक्सपायर एंड यू विल रीडायरेक्ट टू कंट्रोल सेंटर। मींस अभी हम वापस फायरवॉल में लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सर्टिफिकेट से हम लॉगिन थे वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है। तो सेम इसी प्रकार से आपको भी करना है गाइस। इसमें क्या होगा कि एक हमारा सिक्योरिटी एनहांस हो जाएगा, लाइक जैसे कि किसी डिवाइस में आप एक्सेस कर रहे थे और कल को वो डिवाइस पे कोई और बैठ रहा और वो ट्राई कर रहा है, तो आप यहाँ से रीजनरेट कर दें सर्टिफिकेट, फिर जब तक उसके पास सर्टिफिकेट होगा नहीं तब तक वो फायरवॉल में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अब नंबर एक पॉइंट गाइस हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सर्टिफिकेट हम डाउनलोड कैसे करते हैं। तो अभी तो हमने सर्टिफिकेट रीजनरेट कर दिया, आप किसी सिस्टम में हम सर्टिफिकेट को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब क्या करना है, सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सर्टिफिकेट अथॉरिटीज पे जाना है आपको। अभी हमने आपको बताया कि सर्टिफिकेट कैसे रीजनरेट करते हैं, अब हम सर्टिफिकेट इस पर आ गए। अब यहाँ पे गाइज हमको दिख रहा है कि सिक्योरिटी अप्लायंस अंडरस्कोर SSL अंडरस्कोर CA ये सर्टिफिकेट है, इसको बोल रहा है ये सर्टिफिकेट हमको किसी भी सिस्टम में डालना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जैसे ये सिस्टम सर्टिफिकेट हमको इसको यहां से करना है डाउनलोड। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे गाइस यहां पे सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। अब आपको क्या करना है, किसी भी कंप्यूटर में जाके सर्टिफिकेट के अंदर ये सर्टिफिकेट को आपको इंसर्ट करना है किसी भी कंप्यूटर में। फिर ये जैसे आप करेंगे तो फिर आपको एक रूल बनाना पड़ेगा और रूल के अकॉर्डिंग फिर ये SSL सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन बेस्ड आपके फायरवॉल में काम करने लगेगा। तो ये चीज मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन एडमिन एक्सेस करते हैं, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में गाइज मैं इतना ही बताया हूँ कि सर्टिफिकेट कैसे रीजनरेट करते हैं और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर्टिफिकेट किसी कंप्यूटर में कैसे इंसर्ट करते हैं और फिर उसको पॉलिसी के थ्रू कैसे हम लॉगिन राइट्स देते हैं।